नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम अविनाश है। टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा ने चेन्नई में इतिहास रच दिया। चेन्नई की टर्निंग पिच पर रोहित शर्मा ने पहले दिन के दूसरे सत्र में अपने टेस्ट करियर का 7वां शतक लगा दिया। रोहित ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए शानदार शतक जड़ा और भारत को संकट से उबारा। 130 गेंदों का सामना करते हुए रोहित ने अपना शतक पूरा किया। इस दौरान उन्होंने 14 चौके लगाए और 2 छक्के भी मारे। रोहित ने इससे पहले अपना अर्धशतक 47 गेंदों में पूरा किया था, लेकिन अपनी छोटी पारी को बड़ा करते हुए रोहित ने शतक जड़ दिया। रोहित के शतक पर वाइफ रितिका सजदे, जो कि मैच देख रही थी, उनका रिएक्शन देखने लायक था। अपनी दोस्तों के साथ उठ खड़ी हुई और तालियां बजाकर हौसला अफजाई की। साथ ही लंबे समय के बाद रोहित शर्मा को रितिका ने शतक लगाते हुए देखा है। वैसे बता दें कि 15 महीनों के बाद रोहित शर्मा ने शतक लगाया है, साथ ही 9 टेस्ट पारियों के बाद। इसी के साथ रोहित ने आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में 4था शतक लगाया। संयुक्त रूप से वो दूसरे पोजीशन पर हैं। बता दें कि टीम इंडिया की शुरुआत काफ़ी ख़राब रही और रोहित के साथ ओपनिंग बल्लेबाजी करने आए शुभमन गिल 0 रन पर आउट हो गए। इसके ठीक बाद चेतेश्वर पुजारा ने भी 21 रन पर अपना विकेट गंवा दिया। पुजारा के बाद 4थे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए कप्तान विराट कोहली डक पर आउट हुए। उन्हें मोइन अली ने आउट किया। विराट कोहली के टेस्ट करियर में पहली बार उन्हें किसी स्पिनर ने पहली बार 0 पर आउट किया है। फिलहाल अजिंक्य रहाणे और रोहित शर्मा 4थे विकेट के लिए 100 रनों की साझेदारी के करीब पहुंच रहे हैं। दोनों ही बल्लेबाजों के बीच खबर मिलने तक 85 रनों की साझेदारी हुई है। इस खबर में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।